मंदसौर में सकल पंचम वसीठा धोबी समाज द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसडीएम शिवलाल शाक्य और सीएसपी सतनाम सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। मामला 2 माह पूर्व मंदसौर सीतामऊ फाटक निवासी मुकेश शर्मा की बेटी गुनगुन वर्मा, जिसकी आयु 16 वर्ष बताई गई, 2 माह पूर्व गुनगुन वर्मा ने आत्महत्या कर ली थी और पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित होकर भारी संख्या में सकल धोबी समाज और हिंदू संगठन के लोग पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसडीएम और सीएसपी को मामले से अवगत कराया गया है और पुलिस द्वारा आरोपी पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना में मृतिका गुनगुन के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, किंतु पुलिस के लचीले कार्यशैली के चलते अभी तक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। गुनगुन के मोबाइल की जाँच की जाए तो आरोपी शीघ्र गिरफ्तार हो सकता है। मोबाइल से फोटो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग आदि जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस घटना से पूर्व मृतिका की बुआ की बेटी शिवानी सीतामऊ फाटक के बच्चों पर परीक्षा देने गई थी और जिसके साथ मृतिका की गई थी। वही मृतिका के साथ बलिया मंडी टोल नाके पर समीर खान नामक युवक ने मारपीट की थी और मंदसौर बस स्टैंड पर भी एक बार आरोपी गुनगुन के साथ मारपीट कर चुका है। समाज और सर्वधर्म समाज के द्वारा एक ज्ञापन पुलिस कंट्रोल रूम पे सीएसपी साहब और एसडीएम साहब को सौंपा गया है। चूँकि विगत 2 माह पूर्व हमारे समाज की बिटिया के साथ नरभक्षी दरिंदों द्वारा विदर्मी द्वारा अप्रकृतिक कर उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वह प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेती है। चूँकि उस आत्महत्या के बाद पुलिस को उचित कार्रवाई कर अपराधी के खिलाफ उचित से ठोस कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही से 2 महीने बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी गुस्से को लेकर आज पूरे सर्व समाज और धोबी समाज आज ज्ञापन देने आया है। ऐसे नरभक्षी लोगों को जो हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाकर और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको अपने जाल में फंसाकर उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो। इसीलिए इस संबंध में आज ज्ञापन पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो सर्व समाज है और धोबी समाज इसकी अगुवाई में रहेगा। धोबी समाज शांतिप्रिय समाज है, लेकिन जरूरत पड़ी तो धोबी बचान लगाने में पीछे नहीं हटेगा। मनोज साखला दिया है एक सुसाइड को लेकर, मीडिया का सुसाइड हुआ तो उसमें उनके जो कुछ पॉइंट है मैंने सुना भी गया, उनको मेरे सामने पढ़ के भी बताया उन्होंने, तो उसमें कुछ कार्रवाई अभी तो कुछ हुई है, कुछ राउंड अप भी किए हैं लोगों को और उसमें और अगर कोई दोषी है तो उसमें भी हम लोग जल्दी से कार्रवाई कराएंगे। कुछ उन्होंने इलीगल इन्फोर्समेंट की बात भी कही है, वो भी हम लोग जो भी लीगल है उसमें कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। थैंक यू। दो माह पूर्व हमारी मंदसौर की एक सीताम फाटक की बिटिया के साथ जो उसने आत्महत्या की थी, और आत्महत्या का कारण यह था कि एक मुस्लिम गुंडा उसके पीछे पड़ा हुआ था, लगातार उसको प्रताड़ित कर रहा था, उसकी अश्लील वीडियो उसने उतार लिए थे और उसको बुरखा पहनाकर और कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के लिए पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन बिटिया ने जब ये स्वीकार नहीं किया, अपनी आपकी जीवन लीला समाप्त कर रही, इसके पीछे उस मुस्लिम गुंडा और उसके जुड़े हुए सारे लोग शामिल थे। और ये लड़की कब यहाँ से परीक्षा देने के लिए, पटवारी की परीक्षा देने के लिए गई, उसके साथ टोल टैक्स पे माथापोड़ी करेगी, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करेगी, उसके बाद वो आइफा होटल जो मंदसौर की है जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो रही है, लगातार ये समाज की तरफ से बार बार प्रश्न आ रहा था, उस होटल की जांच होना चाहिए कि किस प्रकार से वो होटल किसके लिए खुली है, वो इन लव जिहादियों को संरक्षण देने के लिए, मंदसौर के आतंकवादी गुंडों को संरक्षण देने के लिए बनी गया, इसकी जांच प्रशासन को सख्ती से करना चाहिए। ये सख्ती यदि नहीं की जाएगी तो आज तो केवल कम संख्या में ज्ञापन के माध्यम से बिटिया के कातिल जिंदा है इस बात का आक्रोश व्यक्त करने आए हैं। यदि प्रशासन ने सही दिशा में कार्रवाई नहीं की तो अब इस मंदसौर को प्रशासन को सीधे सारा हिंदू समाज जवाब देने के लिए सड़कों पर आएगा, इसकी जवाबदारी मंदसौर जिला प्रशासन की होगी। सीतामऊ फाटक उस समीर को सिर्फ सजा मिलनी चाहिए, बस कड़ी से कड़ी, बस यही है हमारा और कुछ नहीं। मुझसे छोटी थी वो सिस्टर, उसको बहुत दबाव दिया इसलिए उसने आज ऐसा कदम उठाया, तो आगे से कोई और किसी के साथ नहीं हो इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। मंदसौर से पीडी बरागी की रिपोर्ट।